आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ को लेकर संसद के बादल तो छटने लगे हैं, लेकिन पार्टी को झटका लगने के सिलसिले पर अब तक ब्रेक नहीं लग पाया है। इस बात को बीजेपी ने कमलनाथ का गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा में ही बड़ी सेंध लगाई है और बीजेपी की तरफ से लीड रोल निभाया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने सबसे पहले 104 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी, उसके बाद जनाधार यात्रा भी निकाली। सीएम मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी बीजेपी में शामिल करवाया और संगठन को धार देने की कवायद में चुका दिया। फिलहाल कांग्रेस के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जिन नेताओं ने बीजेपी में एंट्री की है, वे अब तक कमलनाथ के करीबी चेहरों के तौर पर गिने जाते थे। बुधवार को बीजेपी में शामिल होने वालों में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव उज्जवल सिंह चौहान, पार्षद, सरपंच, जनपद सदस्य और कार्यकर्ताओं के नाम है। इन सभी नेताओं ने बीजेपी में आस्था जताई है। छिंदवाड़ा में बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने दावा किया है कि यहां करीब 1500 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी है और बीजेपी में शामिल हुए। इनमें 700 से ज्यादा कार्यकर्ता नवनिर्मित पांडुर्णा जिले के रहने वाले हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों में पांडुर्णा नगर पालिका अध्यक्ष संदीप घाटोड़े, नगर पालिका पार्षद पांडुर्णा, जिला जनपद सदस्य और 16 सरपंच सहित अन्य लोग शामिल हैं। बता दें कि पांडुर्णा विधानसभा सीट है और छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं अज्जू ठाकुर जी है, नगर पालिका पांडुर्णा के अध्यक्ष संदीप घाटोड़े जी, इनके साथ में सभापति मदन भांगे जी, दुर्गेश मुखे जी पार्षद, सोनू भांगे जी पार्षद, रोशनी कोहले जी पार्षद, प्रदीप धुरनकर जी सभापति, नीतू राठौर जी पार्षद, प्रशांत बाड़े जी पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका पांडुर्णा, प्रदीप कुमार कोहले जी मीडिया संयोजक, इनके साथ में प्रवीण ठाकुर जी, प्रसाद परेडकर जी, निकुंज साह जी, रूपेश कसलेकर जी, प्रकाश धारपुरे जी, विजय याखरे जी, महेंद्र रंधन जी, कपिल परेडकर जी, राहुल अनेवार जी, धीरज बांगे जी, सभी बारी बारी से मंच पर आ गए। आज मराठा क्षत्रिय समाज के लगभग जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सोनाना जी आज भी अपनी टीम के साथ में भाजपा ज्वाइन हो रहे हैं। मंच पर आ गए अनिल कुमार सोनाना जी, छत्री मराठा समाज के जिलाध्यक्ष प्रवीण मराठा जी, सुमंत भलासे जी, श्रीमती मिताली सोनाना जी, श्रीमती मलिनी गायकवाड़ जी, श्रीमती वैशाली मोहनकर जी, श्री विकास मराठा जी, श्री शिवराम पवार जी, श्री विशाल मराठा जी, श्री प्रवीण राउत जी, श्री हर्ष सोनाना जी, जिनके मैंने नाम लेते जा रहा हूँ मंच पर आते गए। इनके साथ में हमारे सिंगरौली क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री और सिंगरौली के सरपंच रहे आदरणीय डॉक्टर उमेश शर्मा जी, इनके साथ में इनकी पूरी टीम, रामनाथ साहू जी पूर्व नगर अध्यक्ष, मधुकर राव सोनी जी, धीरज मालवी जी, दीपक साहू जी, कमलेश सोनी जी, सोहैया जैन जी, मूरत नागवंशी जी, सुखदेव चंद्रवंशी जी, हरीश साहू जी, विजय चंद्रवंशी जी, अनिल पटेल जी, देवीलाल, और साथ ही अमरवाड़ा विकास खंड के आज 16 सरपंच कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वो 16 सरपंचों के नाम